नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोनल शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल सोनल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, एक शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स, जिसमें पिछली एक वीडियो मैंने बताई थी जिसमें आपको असेंडेंट 12 राशि, 9 प्लैनेट्स एंड 12 भावों के बारे में मैंने बताया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल पे पिछली वीडियो जाके वो देख सकते हैं। अब हम आए हैं कि 12 भाव क्या है। तो हर भाव जो होता है, मैंने ये आपको बता दिया था कि 1 से 12 भाव होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज गिनने से हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये भाव क्या कहते हैं और इन भाव, इन हाउसेस से हम क्या देख सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो पहला भाव होता है, जिसको लगन भाव भी बोलते हैं, तो उस भाव से हम देखते हैं अपने आप को, अपनी सेल्फ को और ओवरऑल लाइफ को अपनी, कि भाई हम क्या है, कैसे है, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो सब हम उस भाव से देखते हैं। वहाँ रही राशि और उसमें जो प्लैनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सेकेंड भाव होता है फैमिली और वेल्थ का, जो हमारी इनिशियल फैमिली होती है, हम किस फैमिली में पैदा हुए, फिर हम जो भी इन फ्यूचर कमाएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या रहेगा, कितना रहेगा, हमारी स्पीच, हमारा खाने की हैबिट, हमारा टेस्ट वगैरह हम सेकेंड भाव से देखते हैं। उसके बाद आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम देखते हैं हमारे यंगर सिबलिंग्स, हमारे नेबर, हमारी डिज़ायर, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, हमारा कम्युनिकेशन, लोगों के साथ हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो हम थर्ड भाव से देखते हैं। चौथे भाव से हम देखते हैं मदर, लैंड, प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, अपनी हैप्पीनेस इन शॉर्ट, और हमारा स्टार्टिंग का जो एजुकेशन, स्कूलिंग होती है, हम वो चौथे भाव से देखते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस जो होता है हमारे पास्ट कर्मास का, पास्ट पुण्य का, जो हमने पास्ट जन्म में जो भी कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में क्या कैसे मिलेगा, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। मंत्र शक्ति देखते हैं, एजुकेशन हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, फिर हमारे बच्चे, हमारा प्यार, अफेयर, वो सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। उसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं हमारे एनिमीज, हमारे डेब्ट, हमारा लोन, कर्जा, हमारी जॉब, वो सारा हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। हमारा कंपटीशन, हम कंपटीशन में क्या कैसे कर पाएंगे, वो हम देखते हैं। फिर आता है सेवन्थ हाउस होता है स्पाउस का, हमारे पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का भी यही हाउस है। हमारा डेली जो इनकम हम आती है, डेली बेसिस में जो इनकम आती है, वो हम उससे देखते हैं। हम पब्लिक, समाज, हमारी जो इमेज होती है, वो हम सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद आता है एट्थ हाउस जो होता है वो हर्डल्स का होता है, डीप रिसर्च का होता है। एट्थ हाउस से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, मगर वो किसी के डेथ के बाद की, मतलब कि इंश्योरेंस की जो कोई प्रॉपर्टी अगर मिलती है हमें, तो वो हम एट्थ हाउस से देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ की स्टडी जो डीप हम करते हैं, ऑकल्ट, तंत्र, विज्ञान, वो सारा हम एट्थ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य भाव है, हमारे पिता का भाव है, धर्म भाव है। तो नाइन्थ हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है हमारी जिंदगी में, हमारी कुंडली में। उसके बाद आता है टेंथ हाउस। दसवां भाव जो होता है वो होता है अपना कर्म भाव, हम क्या कर्म करेंगे, बिजनेस करेंगे, किस टाइप का कर्म, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं, वो सारे कर्म हमारे आ गए जिंदगी में, जो भी हमने कर्म किए हैं वो सारे हम उससे देख सकते हैं। हम प्रोफेशन क्या चूज कर सकते हैं, वहाँ रही हुई राशि, प्लैनेट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद आता है इलेवेंथ हाउस मतलब गेन, जो भी हमने रिस्क लिया था, जो भी हमने बिजनेस किया, जो भी हमने लाइफ में कर्म किए, उन सभी का लेखा जोखा, उसका फल, गेन, लाभ स्थान, वो सब कुछ हमें इलेवेंथ हाउस से हम देखते हैं। पब्लिक में आप कितना फेमस होंगे, वो सारा हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। उसके बाद आता है ट्वेल्थ हाउस जो आता है वो है लॉस का, हो
हॉस्पिटलाइजेशन का, इम्प्रिजनमेंट का, जेल का और अपने बैड प्लेजर का, तो ये हम 12th हाउस से देख सकते हैं। अब ये हमने 12 हाउस की बात की कि इस हाउस से आप क्या क्या देख सकते हो, उसमें से जो है 1, 4, 7 और 10 भाव उसको केंद्र स्थान कहते हैं, जो अच्छे स्थान है। 1, 5 और 9वां स्थान है उसको हम त्रिकोण स्थान कहते हैं, उसको लक्ष्मी नारायण स्थान भी कहते हैं केंद्र और त्रिकोणों को। और जो 6, 8 और 12 है उसको हम धूस्थाना कहते हैं, वो धूस्थान होते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, वो स्थान 6, 8, 12 होते हैं। उसके बाद हमने ये सारे जो स्थान है उन सब स्थानों को बाइफर्केशन किया हुआ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उसमें देखते हैं। तो 1, 5 और 9 जो है वो धर्म स्थान है, 2, 6, 10 है वो अर्थ बोलते हैं इसको, अर्थ स्थान जिसे पैसों की जो हम कमाई करते हैं वो। 3rd होता है 3, 7, 11 वो होता है कर्म। और 4, 8, 12 जिसे बोलते हैं हम मोक्ष। तो इसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्यों बोला गया है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एक स्थान जो पहला स्थान होता है जो हम खुद होते हैं, जैसे हमने पास्ट में कर्म किए होते हैं वैसे ही हमारा इस जन्म में बर्थ होता है, हमें वैसी ही बॉडी मिलती है। 5वां स्थान भी हमारे पास्ट, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट बर्थ से जुड़ा हुआ है इसीलिए उसको हम पास्ट पुण्यास का भी स्थान बोलते हैं। और 9वां भाग्य स्थान, भाग्य स्थान भी हमारे कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है कि हम जो पास्ट लाइफ जितनी जी कर आए हैं उसमें क्या कर्म किए और हमें इस जन्म में क्या भुगतना है, वो 1, 5 और 9 वो एक आधार स्तंभ है हमारी कुंडली में। उसके बाद आता है अर्थ, अर्थ के बिना तो जिंदगी का गुजारा नहीं है, कमाना तो हमें पड़ेगा ही। तो 2 वो भी आपको मैंने बताया है कि वो वेल्थ है, पैसे है, बैंक बैलेंस है। 6 कॉम्पिटिशन जॉब वगैरह का है और 10 वो प्रोफेशन का है जो कहीं ना कहीं पैसों से या उससे रिलेटेड है। फिर आता है 3, 7, 11 धर्म, अर्थ, काम, मतलब हम जो कर्म करते हैं। 3रा कर्म चुनने की हमें फ्री विल है, हम कैसा कर्म इस जन्म में करते हैं, मानो भाग्य तो हम लिखवा के आए कुछ भी, मगर इस जन्म में हमें क्या करना है, 2 रास्ते हैं तो हमें कौन सा चुनना है वो अपनी फ्री विल है। तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम 3 से देखते हैं। 7th हाउस जो होता है हमारा पार्टनर का हाउस होता है और 11th जो हमारा लाभ स्थान है उसको काम बोलते हैं। और 4, 8 और 12 पहला हमें जन्म लिया, दूसरा हमें कैसा फैमिली मिला, जो हमने पास्ट कर्म में कर्म किए उसी हिसाब से हमें फैमिली मिलता है, कैसे माँ बाप मिले, हम क्या बोलते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं। 3रा हमारे भाई बहन आ गए, हमारे डिजायर आ गई। अब हम ये सब कुछ करते करते हमें चैन आराम कहाँ मिलता है, 4th हाउस, तभी उसको हैप्पीनेस का हाउस कहा गया है कि हम अगर 4th हाउस में आएंगे तो 4th हाउस में जाकर हम लोगों को आराम चैन मिलता है। उसके बाद आता है 5, 6 और 7 को पार करके हम 8 में आते हैं, वो सब कुछ दुनियादारी भुगत भुगत के हमें भगवान की तरफ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम धर्म करते हैं। उसके बाद आता है 9, 10 और 11 धर्म, हम समझ के अपने कर्म को सुधारते हैं या बिगाड़ते हैं। और 11 में हमें उसका सारा फल मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, 12th हाउस मोक्ष, कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारा लास्ट टाइम आ जाता है, लाइफ का लास्ट टाइम आ जाता है, तो हम उसको मोक्ष स्थान कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको स्थान के, जब हम 12th हाउस में पहुंचते हैं तब हमारी जिंदगी की लास्ट, जो लास्ट स्टेज होता है, अवस्था होती है। अब उसमें हमारी क्या अवस्था रहेगी वो सारा 12th हाउस में, वहां से हमें बॉडी की मुक्ति मिलती है इसीलिए हम उसको मोक्ष स्थान कहते हैं। और तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको ये बताया कि भाव से क्या देखा जाता है, कौन से भाव को क्या कहा जाता है। तो आगे यही सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, इसके नेक्स्ट के प्लैनेट्स है, राशि है, उसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक कि प्लैनेट से क्या है, कैसा प्लैनेट है, उस प्लैनेट से क्या क्या देखते हैं, और जो राशि है ये राशि से हमें क्या देखना चाहिए, राशि के गुण, स्वभाव, स्वरूप, तत्व, वो सब हम इसके नेक्स्ट वाली सीरीज में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।